दोस्तों अभी जो आपने इंट्रो देखा सेम इसी तरह की इंट्रो अगर आप बनाना चाहते हो अपने चैनल के लिए तो आप बना सकते हो, कॉपीराइट फ्री है। दोस्तों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो। सो दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आप किस तरह से आप एडिट कर सकते हो। सो दोस्तों एडिट करने के लिए मैं यहाँ से काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। सो दोस्तों आप भी काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो विदाउट वाटर मार्क। जी हाँ दोस्तों, यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब इंट्रो के लिए मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 16.9 सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों क्रिएट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाता है। सो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है सो दोस्तों उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको कॉपीराइट फ्री मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों इजी का ट्रिप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आसानी से आप इस तरह की इंट्रो वीडियोस बना सकते हो। सो दोस्तों मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ, आप देख सकते हो, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह का होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी चैनल का आपका लोगो है सो दोस्तों उस चैनल का लोगो को यहाँ पे आपको लेके आना है। सो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पर क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों जहाँ भी मेरा लोगो रखा होगा उस लोगो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे क्रॉपिंग पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे राउंड फिगर कर देंगे। सो दोस्तों इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा है। सो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। सो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कर लिया है। सो दोस्तों यहाँ पे आपका चैनल का लोगो पहले से आपको बना के रखना चाहिए, तभी आप ये इंट्रो को डाउनलोड करके इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं अपनी चैनल इंट्रो के लिए। यहाँ दोस्तों इसको मैंने बराबर कर दिया, आप देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा फिर से छोटा कर देते हैं। सो दोस्तों इस तरह से करने के बाद यहाँ पे अभी किस तरह का आपको दिखने वाला है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से ये स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो। सो दोस्तों अभी बात आती है, यहाँ पर आपका चैनल का जो नाम है उसको भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पर आ जाना है। सो दोस्तों आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी चैनल का जो नाम है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। सो दोस्तों टाइप करने के लिए फिर से लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और यहाँ पे टी का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चैनल का नाम टाइप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप देख सकते हो। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ से अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट पर क्लिक करना है और जिस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए आप इसी में आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आगे आप देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे मैं रख देता हूँ और यहाँ से आप कलर अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों मैं यहाँ पे येलो करके एक बार देखता हूँ कैसा लगता है। सो दोस्तों यहाँ पे येलो कर देता हूँ। सो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इन एनिमेशन आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप अभी इस तरह से दिखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा, आप देखते रहिए। सो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद एनिमेशन कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे पॉप एनिमेशन में डाल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। सो दोस्तों इस तरह से बहुत ही ईजी है इंट्रो वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आपको ये डाउनलोड कर लेना है। सो दोस्तों अभी मेरा वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों मेरा वीडियो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तभी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। सो दोस्तों ये ग्रीन स्क्रीन इंट्रो वीडियो है, कॉपीराइट फ्री है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से मेरा इंट्रो वीडियो इजीली यहाँ पे एडिट हो गया है। अभी इसको यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट है इसको यहाँ पे सभी इनेबल कर देना है। सो दोस्तों मेरा यहाँ पे इंट्रो वीडियो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी इसको मैं यहाँ से मेरे फोन गैलरी पर लेके जाऊंगा। सो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी क्वालिटी आपको चाहिए, सो दोस्तों सबसे बेहतर रहेगा आपको 720p इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे सेव वीडियोस पर आपको क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे सेव वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अपनी गैलरी पर ये आ जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। सो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।